जैकलीन फर्नांडीज और सलमान खान नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म रेस्टीम की शूटिंग दुबई में खत्म हो चुकी है। अब फिल्म के लगभग सभी स्टार वापस आ चुके हैं और अब प्रमोशन के लिए जुट जाएंगे। सलमान खान और जैकलीन फर्नांडीज भी अबू धाबी से वापस लौटकर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, जहां दोनों अलग अलग कार में जाते वक्त एक दूसरे को गले लगाया। इस वीडियो में दोनों एक्टर्स की बॉन्डिंग देखी जा सकती है। फिल्म की शूटिंग खत्म होने की जानकारी 3 दिन पहले अनिल कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी थी। रेस 3 ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। रेस 3 में ऐसा होगा सलमान का एक्शन अवतार। वीडियो हुआ वायरल। ए पोस्ट शेयर बाय वुम्पला एट वुम्पला ऑन April 3, 2018 एट रात के 10:34 प्रशांत डेलाइट समय। रेस 3 की शूटिंग फिल्म के डायरेक्टर रेमो डिसोजा के बर्थडे के मौके पर पार्टी के साथ खत्म की गई। रेमो का बर्थडे 2 अप्रैल को अबू धाबी के एक होटल में मनाया गया। रेमो के बर्थडे पर सलमान खान ने उन्हें केक भी खिलाया। इस पार्टी का वीडियो जैकलीन ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, जो कि सोशल मीडिया पर आ चुका है और पोस्ट शेयर बाय वुम्पला एट वुम्पला ऑन April 2, 2018 एट 8:16 AM पैसिफिक डे लाइट सेविंग टाइम। फिल्म रेस 3 में सुपरस्टार सलमान खान, जैकलीन फर्नांडीज, अनिल कपूर, डेजी शाह, बॉबी देओल और साकिब सलीम हैं। सलमान खान फिल्म्स और रमेश तोरानी द्वारा निर्मित इस फिल्म को टिप्स फिल्म्स के बैनर तहत बनाया जा रहा है। रेमो डिसोजा निर्देशित रेस 3 2018 की ईद के मौके यानी 15 जून को रिलीज होगी। वीडियो सलमान खान से NDTV के खास बातचीत। और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों खबरें। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें। ट्विटर पर फॉलो करें।